जी गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका जियो स्मॉल यूट्यूब चैनल पर। गाइस हाल ही में एक न्यूज़ है जो लगातार चलती आ रही है और काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि एक न्यायपीठ की न्यूज़ है और जस्टिस से रिलेटेड एक न्यूज़ है, क्योंकि न्याय पर भरोसा उठता जा रहा है लोगों का। आत्मसम्मान के लिए यहाँ तक है जज भी इस्तीफा देने के लिए आतुर हो चुके हैं। अब तक फाइनली देखी जाए कि जजों का इस्तीफा, 16 जज 2017 से लेकर गाइस 2023 तक लगभग 16 जजों ने इस्तीफा दे दिया है। जज बनने के लिए बहुत मेहनत होती है, काफ़ी मतलब सॉलिसिटर देन मजिस्ट्रेट, सॉलिसिटर जज तक एक पूरा प्रमोशन पाकर तब बनते हैं। एक एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस और गवर्नर राष्ट्रपति की निगाह में एक तरह से एलर्ट ऑफ लॉ, काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए तब जाके वो पद हासिल होता है। लेकिन 16 जजों की एक तरह से इस्तीफे की, जो 2017 से 2023 तक की जो एक लाइन लग चुकी है, ये न्याय प्रणाली से विश्वास उठ जाने से, मतलब विश्वास उठ जाने से फील होता है कि अब आम आदमी कैसे सरवाइव कर पाएगा कोर्ट के अंदर, किस तरह से कौन कैसे उनको न्याय दिला पाएगा, जिनका केसेस, जिनके चार्जेस, जिनका ट्रायल चल रहा है। तो बहुत इश्यूज एक न्याय प्रणाली पर आ गए हैं। इस्तीफा देना तो मर्जी की बात है गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान के लिए कुछ जजें, जैसे हाल ही में रोहित डी देव साहब हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, नागपुर पीठ के, उन्होंने ही हाल ही में 3 दिन पहले इस्तीफा दिया है, सबको चौंका दिया है। सबसे पहले पटेल साहब, जयंत पटेल साहब, फिर विजय साहब, फिर अजय साहब, फिर सुनील कुमार जी, मतलब लगभग 16 जज हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है भारत के न्यायालय से गाइस। चलिए, ये तो एक रहा इनका पर्सनल थॉट, या इन्होंने अपने किसी प्रेशर में नहीं देकर अपने हिसाब से ही पर्सनल एक तरह से इस्तीफा लिया है। ठीक है गाइस, बात है अभी जो जस्टिस बी आर गवई साहब की, जो सुप्रीम कोर्ट में एक जज हैं, सीनियर जज हैं, जिन्होंने हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया है गाइस। बहुत बड़ी बात है कि इससे पहले मैं 4 मिनट का वीडियो बना चुका था राहुल गांधी जी के ऊपर, कि जज सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, मिश्रा साहब और जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनकी पीठ ने संज्ञान लिया था राहुल गांधी जी की सज़ा पर, कि इस तरह से सज़ा 2 साल की अधिकतम सज़ा को तुरंत उन्होंने सुना दिया, कम भी दी जा सकती थी सज़ा। तो इस पर गाइज निर्णय आज आ चुका है और वो 2 साल की सज़ा पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। पुर्णेश मोदी का भी विवाद आया था, उनका मोदी सरनेम नहीं है, वो काफ़ी सीक्रेट चीज़ें हैं, मैं नहीं बताना चाहता आपको, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है गुजरात हाई कोर्ट के विरोध में गाइज़। गुजरात हाई कोर्ट से कहा गया है, तो बिना सोचे समझे आपने राहुल गांधी को किस तरह से आपने अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा सुना दी, वो भी एक सरनेम यूज करने पर, किस तरह से वो सारी चीज़ें बताई हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साहब ने, वो आप देख लीजिएगा, आर्टिकल में सब लिखा हुआ है। ठीक है, वो सब एक मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि यूट्यूब पर क्या वायरल होने से कुछ लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा सरनेम की अगर मैं बात करूँगा, तो इसलिए मैं इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप देख लीजिएगा, गूगल पे खूब पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे खूब पड़ा हुआ है, कई सारे यूट्यूब बता रहे हैं। ठीक है गाइस, तो जो न्यायाधीश है, जो मैटर था, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से बोला था कि इस तरह की अचानक इतनी बड़ी सज़ा, जो मैक्सिमम 2 साल की ही सज़ा होती है मानहानि में, तो आपने उतनी 2 साल की मैक्सिमम सज़ा सुना दी, मतलब आपको पहली पता था कि राहुल गांधी जी को वायनाड सीट से हटाना है। जैसे ही सज़ा सुनाई गई हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने तुरंत उनको लोकसभा स्पीकर ने पद से ही हटा दिया। तो एक प्री प्लान था गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से कहा था कि ये सज़ा 1 साल 11 महीने हो सकती थी, 1 साल 10 महीने हो सकती थी, अधिकतम आपने पूरी सज़ा सुना दी। ऐसे चीज़ों पर और ऐसे केसों पर, छोटी छोटी वारदातों पर लोगों का क्या विश्वास उठ जाता है? अधिकतम सज़ा सुनाने का क्या मतलब रहा? आप इसकी सफाई दीजिए। गुजरात हाई कोर्ट को लताड़ दिया है गाइस सुप्रीम कोर्ट ने, एक्चुअली ज़रूरी है सारी बातें। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन बदलेगा, आप बताइए, क्योंकि जायज़ है, सब कुछ खंडपीठ ने सब कुछ डिसाइड करके अपने हिसाब से डिसाइड किया है,
कि गुजरात हाई कोर्ट ने जो सजा का प्रावधान किया राहुल गांधी जी के खिलाफ 2 वर्ष का, वो गलत था। उसको कम भी सुना सकती थी, अधिकतम 2 वर्ष सुनाने से उनकी सांसद सीट चली गई, उनको कई सारी चीज़ें झेलनी पड़ी, विरोधी पार्टियों का भी सामना करना पड़ा, मानसिक विचारधाराओं का सामना करना पड़ा, टॉर्चर मेंटल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। इसका कौन हिसाब देगा? बहुत सारी चीज़ें गुजरात हाई कोर्ट के सामने रखी गई, उनको बताया गया, लताड़ दिया एक तरह से, अब उनसे मांगा गया सवाल जवाब देंगे। बाकी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी गई है और राहुल गांधी जी को वायनाड से सांसद की सीट वापस भी मिलेगी गाइस, और वो दोबारा संसद जाएंगे और मोदी जी के साथ सवाल जवाब भी करेंगे गाइस। बहुत हिसाब किताब था मोदी जी से और राहुल गांधी का, क्योंकि आपको पता है कि एक दो महीने पहले ही आपको ये सारी चीज़ें, जैसे अंबानी हैं, अडानी हैं, ये सब कुछ चलता रहता था लोकसभा के अंदर, तो अंबानी अडानी की सारी फाइल खोल डाली थी राहुल गांधी जी ने। विपक्षी पार्टियों ने एक ऐसा तीर चलाया कि राहुल गांधी जी को लोकसभा से बाहर कर दिया, साथ में न्याय प्रणाली भी साथ में रही। इस बात से खफा थी सुप्रीम कोर्ट, और इस पर थोड़ा काफ़ी सारी बिंदुओं को देखते हुए एक चर्चा का विषय बना, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से और कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को लेकर श्री राहुल गांधी जी की सजा को एक तरह से रोक दिया गया है, माफ भी नहीं किया गया है, मतलब रोक दिया गया है। इतनी सजा देने का कोई मतलब नहीं, अधिकतम सजा नहीं होगी, अधिकतम सजा अगर हो भी जाती है तो वो सांसद सीट नहीं मिलेगी। कम सजा है तो उसमें सांसद सीट उनकी बरकरार रह सकती है, मानहानी केस में, कोई क्रिमिनल केस नहीं है ये, ठीक है, कि उनको बिल्कुल बायकॉट किया जाएगा संसद से, उनको सीट मिल जाएगी बायदा, वो संसद जाएंगे और वहाँ सारी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, प्रश्नकाल हो चाहे शून्यकाल हो, चाहे तारांकित प्रश्न हो चाहे तारांकित हो, सभी चीज़ों को वो जवाब देंगे और विचार विमर्श भी करेंगे गाइस। चलिए गाइस, अपना ख्याल रखिएगा और चीज़ों को अपडेट करते रहिएगा, हमेशा आप अपडेट रहा करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, आप डिस्कस किया करें, न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करें, व्यूज़ जो भी होते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप चैनल के व्यूज़ बढ़ाएं या देखा करें, ठीक है, या शेयर किया करें, इससे क्या लोगों को, दूसरे लोगों को पता भी चलेगा, एक थिंकिंग पता चलेगी देश में चल क्या रहा है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो बहुत सारे ऐड देते हैं, ये खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, सारी चीज़ों करते रहेंगे, ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है गाइस। इसलिए आप बस देश के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, हर इंसान के, हर बच्चे के पास ये वीडियो शेयर किया करो, कोई भी हो, चाहे मैं ये वीडियो की बात कर रहा हूँ, चाहे और भी वीडियो आ रहे हों, जहाँ आपको अच्छे लगे, चाहे मेरे हों, चाहे अदर किसी और के भी हों, आपको लगता है कि हाँ ठीक है तो आप उसे आगे बढ़ाइए, नहीं लगता कोई बात नहीं, आप देख के छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं ऐसी बात, ठीक है गाइस। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, कोई न्यूज़ होगी मैं आपको बताऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।